वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस और हमारा अगला सेगमेंट मर्ज की नब्ज तक। और हमारे साथ इसमें मौजूद हैं बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े special. फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर इमरान। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा एट पिम्स। और इनके क्रेडिट के ऊपर डॉक्टर फारूक, मैं डॉक्टर फारूक कहने लगी थी, मतलब चेक करें फारूक इनके क्रेडिट पे। मुझे डॉक्टरेट की डिग्री आपने दे दी मैडम, मैं भी दे दी ना। नहीं जी, डॉक्टर इमरान के क्रेडिट पे ही सबसे बड़ी बात ये जाती है जी कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि इमरजेंसी या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, इवन प्राइवेट के, वहां पे जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं यूजली वो फ्रेश एमबीबीएस के, जो जिन्होंने ग्रेजुएट किया होता है या एक साल की सर्विस होती है, दे आर नॉट ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि अगर ट्रॉमा में, एमरजेंसी में कोई पेशेंट को लाया जाए तो जाहिर बात है उस टाइम पे इतना टाइम इज वेरी क्रिटिकल, तो अगर उस वक्त सही ट्रीटमेंट या सही डायग्नोसिस ना किया जाए तो वो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी या उसका इश्यू जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो डॉक्टर साहब का क्रेडिट ये है कि इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में, और ये क्योंकि वेस्टर्न प्रैक्टिसेस भी हैं, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया यहाँ पे, एंड ही हैज इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम वेयर बाय स्पेशलिस्ट आर देयर इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, ताकि वो सही तरह क्योर कर सकें, देख सकें मरीज को। इस हवाले से डॉक्टर साहब से बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। लुकिंग वेरी फ्रेश अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स गुड टू हैव यू हियर। डॉक्टर साहब, इसके बारे में बताएं कि ये एक बड़ा क्रिटिकल इशू है और बड़ा सीरियस इशू है, और जैसा मेरी आपसे कल बात हो रही थी आपने बताया कि इस पे पहले कभी काम नहीं हुआ एंड यू स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, कैन यू टेल अस अबाउट इट? हाँ जी, ये जो स्पेशलाइजेशन इन एक्सीडेंट इमरजेंसी, इट वॉज़न्ट वेरी पॉपुलर, ये पॉपुलर नहीं है इतनी स्पेशलिटी एज कम्पेयर टू कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपीडिक्स, यू नो, मेडिसिन। सो बाहर के मुल्कों में 15-16 साल पहले ये वाली स्पेशलिटी जो था वो इतनी मशहूर नहीं थी, डॉक्टर जो है वो इसमें ट्रेनिंग हासिल नहीं करते थे, इसलिए कि इमरजेंसी में आपको पता है काम करना इज़ अ हाई स्ट्रेस जॉब। एमरजेंसी के अंदर ही बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, पेशेंट आते हैं अपने रिलेटिव्स को लेके, बड़ा चार्ज्ड, बहुत सारे लोग चार्ज्ड किस्म का बिल्कुल माहौल होता है, और हर 2-3 घंटे बाद वहाँ लड़ाई होने का सिलसिला जारी होता है। प्लस इसकी जो है, जो इस स्पेशलिटी में कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है, यू नो, दूसरे तो डॉक्टर शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन एक्सीडेंट इमरजेंसी का जो डॉक्टर है वो फिर प्राइवेट प्रैक्टिस कहाँ करे। सो बाहर के मुल्कों में भी ये इतनी वो नहीं थी मशहूर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो बड़ी गलत बात है, इसलिए कि एक्सीडेंट इमरजेंसी में ही इट्स अ फेस ऑफ द हॉस्पिटल, एक्चुअली इट्स अ डोर ऑफ द हॉस्पिटल, वहीं से तो मरीज अंदर आते हैं, और अगर वहाँ नहीं सही उनकी ट्रीटमेंट होगी तो उनको नुकसान भी हो सकता है। तो एनीवे, दूसरे मुल्कों में तो शुरू हो गया 15-16 साल से, तो इधर पाकिस्तान में ऑब्वियसली आई एम नॉट अ ट्रेंड एक्सीडेंट इमरजेंसी कंसल्टेंट, अब जो जैसे बाहर हैं, अभी पाकिस्तान में भी एक दो हैं जो कि जैसे आगा खान में हैं थोड़े से, लेकिन और नहीं हैं इधर। So I took initiative to start this specialty in Pakistan, एक कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के साथ। तो अब हमारे पास 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स शुरू कर लिया है, और इंशाल्लाह दे विल गेट ट्रेन्ड एंड दे विल वर्क इन पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपने जो ये इनिशिएटिव लिया उस हवाले से हमने बात की, अब मैं आऊँगा ऑर्थोपीडिक की तरफ से, ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं आप, मुझे ये बताएं कि घुटने में अगर तकलीफ हो, कोई लिगामेंट या जो भी इसके अंदर होता है, मुझे तो नहीं पता, आई एम नॉट ए डॉक्टर, तो कहते हैं अक्सर लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप ऑपरेट करा लें या वो ऑर्थोस्कोपी या कुछ ऐसी चीज़ होती है वो करवा लें, लेकिन कहते हैं कि घुटने को खुलवाना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा अगर घुटना खुल जाए तो फिर सारी उम्र के लिए इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, वो इशू तो शायद आपका रिजॉल्व हो जाए जिसके लिए आपने खोला, लेकिन फिर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, इज़ दैट करेक्ट? ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आपको मैं इससे हट के ज़रा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे आपने कारें तो खरीदी होंगी और आपको याद है कि जब ऑटोमेटिक गियर वाली कार आई थी, जी तो वो कहते ओहो ये बिल्कुल मत खरीदो, इसका गियर बॉक्स खुलवाया तो वो तो समझ ही नहीं आनी किसी सही, बिल्कुल सही। और अब वो ऑटोमेटिक कार सारे वो खरीदते हैं और वो गियर बॉक्स खुलते हैं और ठीक होते हैं। इसी तरह जो घुटने के, मैं समझता हूँ कि घुटने के अंदर कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, तो 10-15 साल पहले जो थी वहाँ इसमें सर्जरी करना थोड़ा सा, बिकॉज एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा नहीं थी,
तो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस होते थे, लेकिन अब वो अगर आप सही क्वालिफाइड है सर्जन, वो अगर घुटने को खोलता है आर्थ्रोस्कोप के साथ और सर्जरी करता है तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कोएक्स के पास ना चले जाएं ना, नॉन प्रोफेशनल लोगों के पास जाएंगे तो फिर रिजल्ट तो ऑब्वियसली बिल्कुल तो इसलिए यू एब्सोल्युटली राइट कि यू नो द राइट मैन, इफ यू गो टू द राइट मैन, वो आपका यू नो घुटना खोले या उसके साथ क्या करे, एटलीस्ट अच्छे रिजल्ट्स देगा वो, एन एक्सपर्टीज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, अब हम हड्डियों की बात करें, बच्चों की जो खास तौर पे हड्डियां होती हैं उनको कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है? बिकॉज आई हैव सीन मोस्टली कि मदर्स जो होती हैं जी कैल्शियम की गोलियां खिला रही है, बजाय इसके कि आप डाइट पे ज्यादा ध्यान दें आप गोलियां खिलाएं और इस तरह की चीजें करें, डू यू थिंक इससे फायदा होता है कि नहीं? हाँ, वो असल में बच्चा शुरू में तो अपना माँ का दूध ही पीता है ना, ही इज नॉट टेकिंग सॉलिड्स, तो उस वक्त यू मेक श्योर कि बच्चा जो है वो पूरा दूध पिए अकॉर्डिंग टू द एज। दूध के अंदर सारी कैल्शियम और विटामिन डी होती है, प्लस वो जो एक पहले थोड़ा सा होता था सॉर्ट ऑफ रिवाज के बच्चे को मालिश करके तो एटलीस्ट बाहर गर्मियों में ना धूप में रखते थे, यू नो, और वो धूप में रखते थे इसलिए कि विटामिन डी बने स्किन में। लेकिन अब वो रिवाज खत्म हो गया है और बच्चे को वो जरा छुपा के रखते हैं हम लोग भी। असल में एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो इंटरेस्टिंग चीज है, हम कहते हैं जी पाकिस्तान में बड़ी सनशाइन है और यू नो यहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी का कम है, लेकिन अब ये पता लगा है कि यू नो हम लोग जो ब्लड टेस्ट किए हमने विटामिन डी लेवल्स, तो एक्चुअली हमारे विटामिन डी लेवल्स जो हैं 80% लोगों काफ़ी कम होते हैं, इसलिए कि हम लोग बाहर धूप में नहीं जाते हैं और स्किन को कवर करके रखते हैं बिकॉज ऑफ आर यू नो के स्किन को ख़राब ना हो जाए, सो उससे विटामिन डी स्किन में बनती है। तो अगर आपने बाहर नहीं जाना तो एटलीस्ट मछली या विटामिन डी जिसमें है चीजें वो आप खाएं ताकि आप अगेन गजा आपकी वो अच्छी होगी तो फिर आप वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आई थिंक बातें इतनी सारी हैं नाजरीन के वो खत्म नहीं होंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे फिर डिटेल कॉन्वर्सेशन करेंगे। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड गॉड ब्लेस यू। नाजरीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, यूं गए और यूं वापस आए। कीप वॉचिंग जागो दुनिया ऑन न्यू ऑन दुनिया टीवी। Oh,